इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। प्रयागराज जिले में समाजवादी लोहिया वाहिनी शरण दक्षिणी विधानसभा के अध्यक्ष अमित पाल जी कार्यकारिणी घोषित की गई, जिसकी अध्यक्षता समाजवादी पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव श्री नंदलाल निषाद नंदा जी ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक हाजी परवेज जी, विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस जी, लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव मोहम्मद जिद्दीकी जी, महानगर अध्यक्ष लोहिया वाहिनी राजेश शर्मा की जी, छात्र सभा के विधानसभा अध्यक्ष राहुल निषाद नंदा जी एवं वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे। समाजवादी लोहिया वाहिनी शहर दक्षिणी विधानसभा कार्यकारिणी में 21 लोगों की घोषणा की गई। इसमें शाद अरशद, राहुल पाल, फहीम अहमद, हिमांशु मिश्रा, नीलू केसरवानी उपाध्यक्ष, राज जायसवाल महासचिव, जैद कोषाध्यक्ष अरसलान, उप कोषाध्यक्ष शिवांग पाल, शिवम मिश्रा, पवन कुमार शर्मा सचिव रहे। क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी छोटी छोटी पार्टियों को लेकर साथ में चलेंगे? ये पार्टी का फायदा, जाएंगे उत्तर प्रदेश तो दोबारा शायद उत्तर प्रदेश के अंदर आने को भी न सोचेंगे दोबारा। 2022 के इन मैनिफेस्टो के आधार पर सपा सर चुनाव लड़ेगी। इन मैनिफेस्टो के आधार पर सपा चुनाव लड़ेगी। पापा का मैनिफेस्टो 300 यूनिट रोजगार का रोजगार रहेगा, 10,000 नौजवानों को रोजगार देने का उत्तर प्रदेश के अंदर, और विकास नाम की चीज उत्तर प्रदेश के अंदर हो ही रही है। अगर जो भी विकास हुआ है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव के जमाने में उनकी सरकार में विकास हुआ और उसके बाद आज तक काम नहीं हुआ। उर्दू के बीच में आए, उनके फील्ड में जाए, आप बताइए निषादों को हम ना तोड़ा गया और बीजेपी के हिमायती बन करके आकर के निषादों को उल्टा धमका रहे हैं कि इन्होंने सही किया है। अरे ऐसे नेता जब निषाद में आ जाएंगे तो खदेड़ के ही मारे जाएंगे। आपने सुना होगा कि बसवार से इनको खदेड़ के भगाया गया था, इनको इनके एक नेता और को लगातार इनको भगाया गया कि अब दोबारा निषादों के बीच मत आइएगा, आपकी शक्ल नहीं है हमारे बीच में खड़े होकर दिखाने के लिए। और ये बनते रहे स्वयंभू हैं, स्वयंभू बनते रहे कि मैं निषादों का नेता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से निषादों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए बड़े बड़े नाम चेहरे अपने साथ जोड़े हुए हैं, तो वो जो जुड़े हुए हैं किस उम्मीद से जुड़े हुए हैं? इससे क्या आपको लगता है कि निषादों के लिए समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव कुछ करेंगे? बिल्कुल निषादों के लिए किए नहीं, करेंगे नहीं, कर चुके हैं। और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए रामचंद्र जी रावण को जाके मार आए थे, और अगर हमारी बहन ने अगर 22-23 अताताइयों का अगर मर्डर किया तो उसको आप वीरांगना ना कहकर के डाकू के नाम दें, आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी माँ बहन की अगर कोई इज्जत लूटे और आप चुपचाप बैठे रहें तो धिक्कार है ऐसे निषाद बिरादरी पे। हम लोग को धिक्कार है कि अपनी बहन की रक्षा ना कर पाए, और वो रक्षा करने का काम माननीय मुलायम सिंह जी ने किया, माननीय अखिलेश जी ने किया। कहीं ना कहीं कल की रैली मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज, आप प्रयागराज से हैं, और आपने सुना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी जो MIM के अध्यक्ष हैं वो आए हुए थे, तो क्या वो समाजवादी वोट को काटने का काम करेंगे या फिर वो जिताने का काम करेंगे? वो समाजवादी वोट को बल्कि जोड़ने का काम करने आए हैं, क्योंकि यहाँ की जितने भी मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं वो समझ चुके हैं कि ये BJP के एजेंट हैं। एजेंट इस तरीके से हैं जैसे आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, अगर ये ताल ठोंक कर भी मोदी जी को गाली भी है उनको भी लेके चलने काम करते हैं, उनके अंदर कोई ऐसी भावना नहीं है। लेकिन एक चीज़ में सरकार से अगर उनके पास हिम्मत है तो एक काम करा लें, मैं आप खुला चैलेंज करता हूँ BJP को, वो जितने भी पिछड़े वर्ग प्रकोष्ठ के हैं, पिछड़े वर्ग हैं सभी का, वो पुनः फिर से इनका जाँच करा लें कि कितने लोग यहाँ पिछड़ा वर्ग में हैं, क्योंकि 64% हैं, और इनकी अगर जनगणना करा ली गई तो ये कहीं के ना रह जाएंगे, सारे लोग खाली पिछड़ा वर्ग रह जाएंगे, क्योंकि 64% लोग हमें गिने चुने, ये लोग 66% लोग हैं
जो हम पे राज कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल है। अभी पूर्व विधायक हाजी परवेज अहमद ने ये कहा था कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, क्या ये केजरीवाल की नकल है या वादे पर खरे उतरने की बात? केजरीवाल ने 200 यूनिट किया था। नहीं, ये नकल की मैं बात कर रहा हूँ। नकल की बात नहीं है, सच्चाई की बात है। और